दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 16 जुलाई 2021 सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके बुध की राशि मिथुन राशि को छोड़ करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में इनका गोचर 16 जुलाई 2021 से लेकर के 16 अगस्त 2021 तक रहेगा। कर्क राशि में सूर्य का गोचर मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों के लिए कैसा फल देगा, कैसा प्रभाव देगा, आइए जानते हैं। दोस्तों यह गोचर फल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यह गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार देखना, क्योंकि गोचर फल को चंद्र राशि के अनुसार ही देखा जाता है। गोचर को अगर आप चंद्र राशि आपको पता नहीं है, नहीं जानते हैं, तो आप नाम राशि के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार का सूर्यदेव प्रभाव आपको देंगे। यह पूरा आपके लिए एक महीना 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक कैसा रहने वाला है, सूर्यदेव किस प्रकार का फल आपको देने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं सूर्य कारक किस चीज़ के हैं। सूर्य आपके लिए सरकारी नौकरी के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश वैभव, कीर्ति और आपके राजकीय कार्य, शासन प्रशासन से जुड़े कार्य, आपके लिए सरकारी नौकरी और आपके उच्च अधिकारियों से आपको सम्मान, हर प्रकार से पिता का सम्मान, ये सब कुछ सूर्य हैं। आप अगर किसी प्रकार से आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें काफ़ी हद तक सूर्यदेव ही प्रॉब्लम उत्पन्न करते हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपकी कुंडली में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा ही ज़्यादातर प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की प्रॉब्लम, क्योंकि मित्र की राशि में इनका गोचर आपकी कुछ समस्याओं का समाधान लेकर आया है, कुछ प्रॉब्लम को कम करेगा तो कुछ हद तक बढ़ा भी देगा। क्या प्रॉब्लम बढ़ेंगी, क्या घटेंगी, आपके लिए क्या स्थिति बन रही है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों राशियों क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो यह गोचर बेहद खास है, क्योंकि चतुर्थ भाव का सूर्य आपको, एक तो सबसे अच्छी बात है कि कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का लाभ कराने वाला है, कोई आपका सपना पूरा कराएगा ये सूर्य का गोचर। चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन का लाभ कराएगा, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि की रजिस्ट्री कर सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बहुत अच्छे दामों में बिक सकती है आपकी, या कोई बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको बहुत जल्दी बहुत लाभ दे, ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन, सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त करना, सरकारी नौकरी लग जाना, और आपके लिए खास करके राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त करना, जनता का सपोर्ट प्राप्त करना, बिजनेस में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, आपके प्रोडक्ट को जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिले, आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा विस्तृत करना, विस्तार देना और बहुत सारी कंपनियाँ, नई नई ब्रांचेस खोलना, ऐसी स्थिति बनेगी। आपके लिए एक नई उम्मीद जगा देगा ये सूर्य। देखा जाए तो हर प्रकार से आपके लिए यह गोचर बहुत ही शानदार होने वाला है, विशेष रूप से आपके लिए, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के अधिपति बनते हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो ये पंचमेश बनते हैं और आपके लिए भी पंचमेश बनते हैं। इसलिए देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। कोई पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, या जो व्यक्ति आपको नज़रअंदाज करके गया था, जो आपको धोखा देकर गया था, जो आपकी वैल्यू को नहीं समझता था, जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा अपशब्द बोलकर चला गया था, अब वो शर्मिंदा होकर के माफ़ी मांग करके आपके पास आएगा। तो आपके एक्स को आप माफ़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आपके ऊपर है, वैसे आप कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो दिल से शर्मिंदा होंगे आपके लिए। तो बहुत सारी स्थितियाँ आपके लिए लव लाइफ में भी अच्छी होने जा रही हैं। विशेष ध्यान देना होगा कि ये देखा जाए सूर्य का गोचर आपके लव मैरिज को भी दर्शाएगा, लव मैरिज कराने की भी कोशिश करेगा, कुछ दोस्तों से, कुछ अपने रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा लव मैरिज के लिए। तो बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी बनने वाली हैं। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके लिए तृतीय भाव में बैठ करके बहुत अच्छा धन लाभ कराएंगे, प्रमोशन करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। किसी प्रकार से कोई शासन प्रशासन से कोई परेशानी आ रही थी, अधिकारियों के साथ संबंध खराब हो गए थे, सुधर जाएंगे, अच्छी स्थिति बनेगी और सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनेंगे,
सरकारी नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इंटरव्यू इत्यादि में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप भी प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा लाभ करेंगे और प्रॉपर्टी डीलर हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा, और अगर किसी प्रकार से आप ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम है उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं वाणी की वजह से दिक्कत आ सकती है। आपके एक्स आपके साथ में दुर्व्यवहार करें, उससे आपका व्यवहार और ज़्यादा बिगड़ जाए, और एक्स जो वापस आना चाहते हैं या धीरे धीरे आने की कोशिश भी कर रहे थे वो फिर से आपके साथ में बिछड़ जाए, फिर से स्थिति खराब हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन रही है। विशेष रूप से देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, अचानक से आपकी पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है, पैतृक संपत्ति की कीमत बढ़ सकती है, और कोई पैतृक संपत्ति कीमत बढ़ करके आप कोई जमीन या कुछ प्रॉपर्टी बेच दें जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए, ये आपके लिए स्थिति बनेगी। विशेष रूप से वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो इससे परिवार का माहौल खराब हो सकता है और रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, दोस्तों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मान सम्मान की हैं, मान सम्मान मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि का धन लाभ भी होगा, राजनीतिक सफलता भी प्राप्त करेंगे, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। और आपके लिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बन सकती है, मैरिड लाइफ में मतभेद हो सकते हैं, और विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आपको किसी भी प्रकार से अपने पारिवारिक लोगों से, अपने परिजनों से झगड़ा नहीं करना है, उनके साथ में बहुत ही बनाकर चलना हो, बस पार्टनरशिप के व्यापार में आपको मनमुटाव नुकसान में डाल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो खर्चे अधिक होंगे, कोर्ट कचहरी से ज़्यादा खर्चे, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम में भी हो सकते हैं, आपके लिए स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी, आपको भी स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है, आपके परिजनों को स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो सकती है, तो बीमारियों में दवाई में खर्चा ज़्यादा होने वाला है, इलाज में खर्चा ज़्यादा होने वाला है, कोर्ट कचहरी में ज़्यादा खर्च होने वाला है, यानी बर्बादी ज़्यादा होने वाली है, और आपको लगेगा कि आपकी ये बर्बादी आपकी कुछ गलतियों की या कुछ लापरवाहियों की देन है। बिजनेस में भी निवेश ना करें, कोई बिजनेस में निवेश आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, कोई कर्ज इत्यादि किसी को न दें, नहीं वहाँ पर पैसा डूब सकता है, शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल ना लगाएं, वहाँ पर भी आपके लिए नुकसान ये सूर्य दे सकते हैं। राजनीति में फिर भी स्थितियाँ ठीक बनाएंगे, राजनीतिक मेहनत जो है वो सफलता की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो पार्टनर गिफ्ट उपहार दे सकता है, थोड़ा ईगो दिखाएगा लेकिन आपके साथ में प्यार जताएगा, आपके लिए बहुत सारी स्थिति अच्छी बनेगी, खास करके आर्थिक उन्नति हो सकती है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता हुआ नजर आएगा, व्यापार में लाभ होगा, सरकारी सेक्टर में आपको सरकारी जॉब मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होगी और धन लाभ तो अधिक मात्रा में होने वाला है आपके लिए। बात कर लेते दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, देखा जाए तो पार्टनर थोड़ा इग्नोर कर सकता है, कार्य में ज़्यादा व्यस्त हो सकता है, लेकिन हाँ आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी, करियर में स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी, खास करके अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं वहाँ पर आपके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी स्थिति बनेगी और बहुत ज़्यादा करियर में नए नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में नए नए अवसर मिलेंगे, अवसरों के लिए ये गोचर बहुत ज़्यादा अवसर देगा आपको, तो कोई भी मौका हाथ से जाने मत देना, खास करके एक बहुत अच्छा अवसर ये मिलेगा कि आपके लिए मैरिड लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम है उनको आप फिर से सही कर पाएं और फिर से अपना रिश्ता उतना ही मजबूत उतना ही अच्छा कर पाएं, आपके पार्टनर आपको ये मौका देंगे अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं मैरिड लाइफ में तो। विशेष रूप से देखा जाए तो आपके लिए अचानक से धन लाभ की स्थितियां भी बन सकती है, ये स्थिति आपके लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, कोई नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, कई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और दोस्तों से सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और विशेष रूप से आपके लिए जो लाभ की स्थितियां बन रही हैं वो कार्य क्षेत्र में ज़्यादा बन रही हैं, आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ होगा, उसके साथ साथ आपको बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा सरकारी क्षेत्र में, सरकारी राजकीय कार्यों में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, सरकार के द्वारा आपको कोई बहुत अच्छी राहत मिल सकती है, अगर कोई कोर्ट कचहरी में केस इत्यादि चल रहा है उसमें आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा,
और आपके शत्रु भी आपसे भयभीत हो जाएंगे, एक डर से जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए क्या स्थिति बन रही है? आपके लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा झगड़े, तनाव और कोई नुकसान की स्थिति बन रही है, तो बहुत ध्यान रखना अपना। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है अपने परिवार का माहौल का। परिवार का माहौल बिगड़ जाएगा तो परेशानी बन जाएगी। कहीं धन का निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए ज़्यादा निवेश ना करें, कम कम करके निवेश करें। आपके लिए देखा जाए तो व्यापार की स्थितियाँ भी सामान्य रहेंगी, कोई ज़्यादा प्रॉफिट आपको ये सूर्य नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर आपके रिश्ते में जो आप गलत फहमियाँ बनते हुए देख रहे हैं तो उसमें कमी आप देखेंगे, कमी होते हुए देखेंगे, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि की स्थितियाँ सुधरती हुई दिखेंगी। और ख़ास करके अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी अच्छे योग बना देंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, व्यापार में नुकसान हो सकता है, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनेगी, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, और आपके लिए सूर्य धन लाभ की स्थितियाँ काफ़ी हद तक अपने खुद के बिजनेस में या अपनी खुद की कंपनी है तो उसमें आपको लाभ कराएंगे। प्राइवेट सेक्टर में ये आपको परेशानी ज़्यादा दे सकते हैं, बॉस ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। सहयोगी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन आपका रुतबा जो है वो फिर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, आप किसी के सामने झुकेंगे नहीं। बात कर लेते दोस्तों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बन सकती है, थर्ड पार्टी परेशान कर सकती है, खास करके आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, धन की बर्बादी हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और विशेष रूप से आपको मान सम्मान में भी हानि होती हुई दिखाई देगी। कर्ज इत्यादि में जा सकते हैं, कर्ज परेशान कर सकता है, कर्ज वाले परेशान कर सकते हैं, और लव लाइफ में भी प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाली है। आपके लिए स्थितियाँ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हाँ विदेश से संबंधित काम करते हैं, विदेश से संबंधित बिजनेस है, उसमें आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, प्रेम संबंधों में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, थोड़े से झुकेंगे वो रिश्ते में और एडजस्ट करके आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे, और आ भी जाएंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ईगो नहीं ज़्यादा दिखाना है, ज़्यादा उन्हें लेक्चर नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, धन लाभ बहुत अधिक मात्रा में होगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और सबसे अच्छी बात है कि लव मैरिज को लेकर के पार्टनर कोई कमिटमेंट आपको कर सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि आपके व्यापार में अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी आप कर पाएंगे, किसी न किसी प्रकार से आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपने किसी नुकसान की भरपाई कर पाएं, तो ये स्थिति आपके लिए बनने वाली है। दोस्तों यह था आपका सूर्यदेव का गोचर फल। सूर्यदेव आपके लिए ऐसा प्रभाव देने वाले हैं। सूर्य का गोचर आपको कैसा प्रभाव देगा ये बताया आपको। अगर आपको यह गोचर फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो करने के फायदे क्या हैं? बहुत बड़े फायदे हैं, लेकिन फायदा क्या है उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो लोग पेड सर्विस नहीं ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क आप करते हैं तो वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, और अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात करते हैं। अपॉइंटमेंट आपको 7-8 दिन बाद का मिलता है, 6-7 दिन बाद का मिलता है, कम से कम इतना समय तो आपको लगता है, बहुत अर्जेंट हुआ तो 3-4 दिन में भी मिल जाता है। तो वो आप पेड सर्विस लेते हैं, उसमें आप फीस पे करते हैं और उसके बाद में आपको टाइम मिलता है। वैसे हमारा जो अपॉइंटमेंट पेड सर्विस का भी प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है, केवल आपको डिटेल्स और अपनी फीस जो है वो फीस पे करनी है, डिटेल्स देनी है, उसके बाद में आपको तुरंत टाइम मिल जाता है, जो भी टाइम होता है अपॉइंटमेंट मिल जाता है, और आपको नंबर दे दिया जाता है व्हाट्सएप पर ही, तो उससे हमारे साथ में आपकी बात हो जाती है। लेकिन पेड सर्विस जो नहीं ले पाते हैं, जो लोग नहीं ले पाते हैं, किसी प्रकार से आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है और वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए आज एक अच्छी खबर है। वो ये है कि आप अपने सवाल, एक सवाल का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। कैसे ये जान लीजिए। व्हाट्सएप पर संपर्क बिल्कुल मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई लोग गलत फहमी में व्हाट्सएप पर संपर्क करने लगेंगे, हमें पता है बहुत बार ऐसा किया गया है, इसीलिए हम कोई भी निःशुल्क जानकारी देते नहीं हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क नहीं करना है आपको, कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट्स में आपको
लिखनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, टाइम लिखना है, टाइम AM PM जो भी है वो लिखना है, और प्लेस लिखना है। उसके बाद में अपना एक सवाल लिख लीजिएगा, जो भी सवाल है, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई भी हो, और लव लाइफ का अगर कोई सवाल होता है तो उसमें अपना और अपने पार्टनर का, दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम लिखिएगा, दोनों की जानकारी लिखिएगा, और एक सवाल लिखिएगा। एक सवाल ही होगा तो जानकारी मिलेगी, और सही जानकारी मिलेगी आपको, बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी। कैसे मिलेगी वो आपको? इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, इन दोनों पर, हमारे फेसबुक पेज पर जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी, फेसबुक पर सर्च करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और फॉलो कर लीजिए। दूसरा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर 1 मिनट के वीडियो को अपलोड किया जाएगा रोज, एक जानकारी, एक व्यक्ति के बारे में जानकारी, मतलब आप में से जितने लोग कमेंट करेंगे उनमें से एक व्यक्ति का ही कमेंट चुना जाएगा एक राशिफल में, मतलब एक वीडियो में। तो आप किसी भी वीडियो में, जो भी लेटेस्ट वीडियो, उनमें कमेंट कीजिएगा, तो आपके वहां से रोजाना एक व्यक्ति के लिए एक सटीक जानकारी मिलेगी, एक एक मिनट की वीडियो वहां पर फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मिलेगी, तो वहां पर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, और अपने कमेंट को यहीं पर छोड़िएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज मत कीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा।